सो ही गज गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले आप लोग के नेक्स्ट बुआ पास के बारे में, यानी गजर आप लोग के मई मंथ के बुआ पास के बारे में, कौन से रिवार्ड्स, कौन से बंडल्स एंड गजर और क्या क्या रिवार्ड्स आप लोग को हमारे नेक्स्ट मंथ के बुआ पास में देखने को मिलेंगे। सभी के सभी रिवार्ड्स का गज मैं आप लोग को फुल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। साथ ही गजर मैं आप लोग को बताऊंगा मेगा गिव अवे के बारे में, जो की यार आज हमारे इंडिया सब पर 10 बजे होने वाला है। पर गजर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है की अगर आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को प्यार सा लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आ रहे थे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पे सेट कर लो। तो ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छी वीडियो लेके आने का, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी तरीके बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले मेगा गिव अवे के बारे में, गज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कल ही करना फिर पाने ऑफिशियली यहाँ पे एक पोस्ट की थी एंड गजर यहाँ पे बोला था कि भाई 10 बजे हमारे इंडिया सफर एक मेगा गिव अवे देखने को मिलेगा। अब आप लोग इसको अप्रैल फुल डे का गिफ्ट भी समझ सकते हो, या गजर क्या पता सच में आप लोगों को ऐसा मेगा गिव अवे देखने को मिल जाए जिसमें आप लोग को ये इनक्यूबेटर का बंडल क्या पता फ्री में दिया जाए, या गजर आप लोग को हो सकता है कोई स्पेशल रिडीम कोड निकल कर आए। अगर ऐसा होता है तो गज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। अब चाहे गजर आप लोग के लिए किसी भी तरीके का रिडीम कोड निकल आया है या गजर आप लोग के गिव अवे से रिलेटेड कोई भी कन्फर्म अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आप लोग के लिए जरूर से वीडियो बना दूंगा। अगर मेरी वीडियो नहीं आती तो भाई आप लोग समझ लेना गन्ने फिफा ने हमारे साथ मजाक किया एंड यार हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए यही पोस्ट की है। अब गजर मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे फिफा रिटर्न को लेकर कोई भी गन्ने फिफा ऑफिशियली पोस्ट नहीं करता है, लेकिन गजर आप लोग को मूर्ख बनाने के लिए जरूर से गन्ने फिफा पोस्ट भी कर सकता है। खैर जो भी होगा मैं आप लोग को जरूर से बता दूंगा। सो गजर अब बात करें आप लोग के नेक्स्ट बुआ पास के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग को हमारे नेक्स्ट बुआ पास में एक लेवल पर चार्ज बस्टर की गनिश देखने को मिल जाएगी, जिसकी एट्रीब्यूट की बात करें तो गज आप लोग इसमें डबल एक्यूरेसी एंड सिंगल रिलोड स्पीड प्लस में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गज आप लोग इसमें मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस में देखने को मिलने वाली है। तो गजर ये जो चार्ज बस्टर की गनिश की ना आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में एक लेवल पर क्लेम करने को मिल जाएगी, पर वो लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप लोग को इसे परमानेंट लेना है तो गज आप लोग को इसका 100 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद में गजर 10 लेवल पर आप लोग को हमारे एक फीमेल का बंडल कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड फीमेल के बंडल की कमाल की बात यही होती है कि भाई आप लोगों को इस फीमेल के बंडल को अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, तो काफी ओपी से यहाँ पे बंडल दिया गया जो कि आप लोग को 10 लेवल पर इस बुआ पास में क्लेम करने को मिलने वाला है। तो अच्छा ही है, लेकिन मेरे को इसमें एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का एनिमेशन या VFX ऐड नहीं किया गया। बाकी गजर जैसे आप लोग यहाँ पे 20 लेवल कंप्लीट करोगे तो गज आप लोग को 2 बैनर क्लेम करने को मिलेंगे, एक बैनर आप लोग को फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा एंड एक बैनर लेने के लिए गज आप लोग को बुआ पास को परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद में गजर जैसे जैसे आप लोग लेवल कंप्लीट करते जाओगे तो 30 लेवल पर यहाँ पे आप लोग को फिर से हमारी चार्ज बस्टर की गन स्किन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए क्लेम करने को मिलेगी, यानी कि 3 दिन के लिए आप लोग के यहाँ से चार्ज बस्टर की गन स्किन क्लेम करने को मिल जाती है। एंड साथ ही में गजर यहाँ पे आप लोग को हमारी एक ओपीसी लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिलने वाली, जिसमें यार आप लोग को काफी तगड़ा एनिमेशन नजर आ जाता है। और इस लूट बॉक्स का नाम भी गज यहाँ पे जेस्टी रोलर लूट बॉक्स रखा गया एंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इसके एनिमेशन से पता लग रहा है कि भाई जैसे ये रोड पर चल रही हो तो कुछ इस प्रकार के आप लोग को हमारे इस बुआ पास में लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग इसे 30 लेवल कंप्लीट करने पे क्लेम कर पाओगे। बाकी गजर जैसे आप लोग 40 लेवल यहाँ पे कंप्लीट कर लेते तो आप लोग को हमारी एक टेम्पो की स्किन यानी कि टुकटुक की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि यार ब्राइट स्ट्रिप वाली होने वाली एंड इसके अंदर किसी भी तरीके का आप लोग को VFX या एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर गजर जैसे ही आप लोग यहाँ पे 50 लेवल कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पे हमारी एक फीमेल की जैकेट देखने को मिलने वाली, सेक्टर जैकेट नाम होगा इसका एंड यार आप लोग को कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही में गजर यहाँ पे आप लोग हमारा मेल वाला बंडल देखने को मिल जाएगा जिसका कस्टमाइज लुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड इसमें भी गज आप लोगों को किसी भी तरीके का VFX एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है एंड बेसिक लुक गज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका बेसिक लुक देखने को मिलेगा। तो मैं मेरी बताऊं तो गज मेरे को इसका कस्टमाइज लुक इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना ज्यादा मेरे को इसका बेसिक लुक लग रहा है। बाकी गज जैसे आप लोग यहाँ पे 60 लेवल कंप्लीट करोगे तो गज आप लोग को 2 अवतार क्लेम करने को मिलेंगे, एक अवतार गज आप लोग को फ्री में दिया जाएगा एंड एक अवतार लेने के लिए गज आप लोग को बुआ पास को परचेज करना पड़ेगा। देन गज 70 लेवल कंप्लीट होते ही आप लोग को फिर से 3 दिन के लिए हमारी चार्ज बस्टर गन स्किन के साथ ही एक स्काईबोर्ड की स्किन भी नजर आने वाली, जो कि आप लोग को परमानेंटली क्लेम करने को मिलेगी एंड यार काफी ज्यादा ओपी एनिमेशन के साथ आप लोग को स्काईबोर्ड की स्किन देखने को मिल जाती है। और इसका नाम ही यहाँ पे व्हील ऑफ द फ्यूचर रखा गया है एंड यानी कि यार ये बुआ पास आप लोग के फ्यूचर के थीम पर डिजाइन किया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोग जैसे लेवल 80 कंप्लीट करोगे तो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में एक ग्रेनेड की स्किन क्लेम करने को दी जाएगी एंड गजर ग्रेनेड की स्किन भी कुछ कम नहीं है, आप लोग को काफी अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही में आप लोग कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमारी वही चार्ज बस्टर की गन स्किन क्लेम
क्लेम करने को मिल जाती है। पर गजर अब जैसे आप लोग 100 लेवल कंप्लीट करोगे तो ये चार्ज बस्टिंग करने के लिए आप लोग के पास लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहेगी, बल्कि गजर आप लोग को परमानेंट यहाँ से क्लेम करने को मिल जाती है। यानी गजर आप लोग को मिनिमम 100 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा इस चार्ज बस्टिंग करने स्किन को परमानेंट क्लेम करने के लिए। और गजर आप लोग को एक बात तो अच्छे से पता है कि प्रीमियम पास लेने पर आप लोग 120 लेवल तक की रिवार्ड्स क्लेम कर पाते हो, बाकी गजर अगर आप लोग प्रीमियम प्लस पास परचेज करते हो तो आप लोग हमारे 150 लेवल तक के रिवार्ड्स कंप्लीट कर पाओगे यानी कि क्लेम कर पाओगे। खैर प्रीमियम प्लस पास लेने पर आप लोग यहाँ पे 130 लेवल पे एक प्रांग की स्किन देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल सी होगी, कुछ खास आप लोग को इसके अंदर एनिमेशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। बार की बारी आ जाती है अब आप लोग के बैकपैक की स्किन की जो कि आप लोग को हमेशा एक तरह 140 लेवल पर क्लेम करने को मिलने वाला, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग को बैकपैक देखने को मिल जाता है। एंड लेवल 3 पर आप लोग इसमें अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को हमेशा ही लेवल 3 में काफी ओपी लेवल का एनिमेशन दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के आप लोग को हमारे इस बुया पास में बैकपैक स्किन देखने को मिल जाती है। एंड मेरी बताऊं तो गाइस ये वाला बुया पास मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, अगर इसके अंदर अच्छा खासा वीएफएक्स ऐड किया जाता तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता, खास करके बंडल्स में जो कि यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। बाकी गाइस जैसे आप लोग 150 लेवल कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आप लोग को हमारा एक लेजेंडरी वाला इमोट देखने को मिलने वाला है, व्हील्स वाला। एंड यार अगर आप लोग इस इमोट को चलाते तो कितना ज्यादा ओपी लगता है आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो, तो मुझे ये वाला इमोट इस बुया पास में सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। लेकिन जहाँ पे गाइस इसमें बुया पास में इमोट बढ़िया दिया गया है बंडल्स वहीं पे बेकार दिए गए। तो अगर आप लोग को ये बुया पास परचेज करना है तो वही एक ही कंडीशन पे करना, अगर आप लोग को ये वाला इमोट लेना हो, बाकी अगर आप लोग बंडल्स के लिए लेना चाहते तो भाई बिल्कुल भी इस बुया पास को परचेज मत करना मेरे हिसाब से, तो बाकी आप लोग की मर्जी है। बाकी 150 लेवल पर आप लोग हमारे एक क्रेट भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग को वही हमारे बुया पास के दो बंडल्स देखने को मिल जाएंगे, एक आप लोग यहाँ पे स्काइविंग स्किन देखने को मिल जाती है पैरेट फ्लैग वाली। एंड गजर लास्ट में आप लोग को दो स्पेशल इफेक्ट इस बुया पास में देखने को मिलने वाले हैं जो कि गजर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक गजर यहाँ पे आप लोग को नॉकडाउन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि यार कुछ इस प्रकार का होगा एंड ज्यादा कुछ खास नहीं है। एंड गजर एक यहाँ पे आप लोग को हमेशा एक तरह एक रनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है जिसमें गजर आप लोग को पीछे की तरफ एक एनिमेशन सा देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का आप लोग को हमारा नेक्स्ट मंथ का बुया पास देखने को मिलने वाला है। सो गजर मैंने आप लोग को फुल बुया पास का रिव्यू करके बता दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि भाई आप लोग को ये वाला बुया पास कैसे लगा। बाकी गजर आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हमारी ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.